कल के मैंने लास्ट वीडियो में आपको केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया था और केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको बैलेंस किस तरीके से किया जाता है वो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। कल के लास्ट वीडियो में आपने सीखा होगा मेरे वीडियो में केमिकल इक्वेशन मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आई टॉट केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंबल, बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंबल, ठीक है, इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। फिर आपको केमिकल इक्वेशन मैंने बताई थी क्या होती है, जैसे केमिकल N2+3S2=2NH3, ये केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। फिर आपको रूल्स बताए थे केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो फर्स्ट आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑलवेज वी शुड रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी शुड राइट प्रोडक्ट्स, एंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए एरो का साइन लगाएंगे। सेकेंड है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का यदि यूज किया गया है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, ठीक है। और फिर देखिएगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर को इंक्रीज करके डिक्रीज करके बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके थे, ठीक है, रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अब इनकी जो केमिकल इक्वेशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैं लिमिटेशंस के बारे में भी कल डिस्कस किया था, स्पेशलिटी, स्पेशलिटी मतलब प्रॉपर्टीज ही हुआ, क्या स्पेशलिटी होती है। तो केमिकल इक्वेशन से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है, ठीक है, और केमिकल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं उनका पता चल जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पता लग जाता है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या है, इसकी कमियां क्या क्या रह जाती है, तो केमिकल रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो यूज हो रहे हैं उनमें कौन सा सॉलिड है, लिक्विड, गैस है, उसका पता नहीं लगता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में क्लियर नहीं किया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर का पता नहीं लगाया जा सकता है, और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट तो इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड वी कैन नॉट हैव एन आइडिया अबाउट द टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, अगर रिएक्शन प्रोसीड है तो क्या टेम्परेचर और आपके आपके टेम्परेचर प्रेशर का पता नहीं लगाया जा सकता, और लिमिटेशन को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, अगर एक्सोथर्मिक है प्लस का साइन यूज करोगे, एंडोथर्मिक है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक, हीट एक्सक्रीट होती है तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। टेम्परेचर काम में लिया गया है, एरो की साइन को ऊपर लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबिलिटी साइन यूज करेंगे, टेम्परेचर काम में लिया गया है, टेम्परेचर भी ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड गैस फिजिकल स्टेट है, तो सॉलिड के लिए मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में एस, लिक्विड के लिए एल एंड गैस के लिए जी का यूज किया जाएगा। आज आपको मैं केमिकल रिएक्शन को, केमिकल जो इक्वेशन है उसको बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो देखिए आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिएगा नीचे मैंने एग्जांपल लिया, आपके टू एग्जांपल डाल दिया मैंने, एग्जांपल फर्स्ट क्या लिखा मैंने, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट में मैं ले लिया मैंने आपके KCLO3 ले लीजिए, KCLO3, ठीक है, KCLO3 पोटेशियम क्लोरेट बोला जाता है, इक्वस टू KCL, ठीक है, प्लस O2, ठीक है, KCLO3 = KCL + O2। अब देखिए बैलेंस करना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकस्ड, हिज फोकस, ठीक है, ओनली ऑन माय वर्डिंग्स, ओनली ऑन माय वीडियो, टू KCLO3, ठीक है। अब देखिए KCLO3 है, तो देखिए पोटेशियम कितना है, ये रिएक्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखे हुए होते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन यूज कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए कितने पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, 1 पोटेशियम। अब प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में और कोई पोटेशियम नहीं है, यहाँ पर 1 ही है। अब आ जाइए रिएक्टेंट में 1 ही है, अब आ जाइए प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट में कितने पोटेशियम है, टोटल 1 है, ऑक्सीजन के साथ कोई पोटेशियम नहीं है, तो 1 तो पोटेशियम रिएक्टेंट में, 1 पोटेशियम प्रोडक्ट में, तो पोटेशियम बैलेंस है। अब आ जाइए क्लोरीन कितना है, इधर क्लोरीन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है, तो ये भी बैलेंस्ड है। अब आ जाइए ऑक्सीजन कितना है, 3 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना है, 2। अब इधर तो 3 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 है, अब कैसे बैलेंस करोगे, तो 3 और 2 का जो कॉमन होता है वो 6 होता है, आपको 6 करना पड़ेगा, तो ऐसा क्या नंबर लगाएं कि ऑक्सीजन 6 हो जाए, तो इसके आगे आपको 2 मेंशन करना पड़ेगा।
आप ऐसे नहीं कर सकते। मैं नीचे लिख रहा हूं KClO3, ना तो आप 2Cl और ऑक्सीजन के बीच में लगा सकते हैं, ये भी रॉन्ग है, ना आप जैसे 2KCl3 है तो 2 ऊपर नहीं लगा सकते, ये भी गलत है। ठीक है, देख लीजिए आप ध्यान से वीडियो में, ये मेथड रॉन्ग है, ये भी मेथड रॉन्ग है। ठीक है, आप इस तरीके से भी नहीं लिख सकते, किस तरीके से, जैसे KClO3 और 2 पीछे लगा दिया, ये भी डेट विल बी रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, सही मेथड है आपके जो मैंने लिखा है, 2 को केवल जितना ही पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आगे ही नंबर मेंशन करना होगा, चाहे बाकी के एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल कितने भी बढ़ जाए उससे डजंट मैटर। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। अब देखिए 3, 2 जा 6 ऑक्सीजन और यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 2, आपको भी 2 को 6 करने के लिए 3 आगे मेंशन करना होगा, दिख रहा होगा आपको क्लियर, 3, 2 जा 6। अब देखिए पोटेशियम पहले 1 था, तो 1 पोटेशियम के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, देखिए कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, राहुल सर ने हमेशा बताया है कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, 1, 2, 1 जा 2 पोटेशियम, यहां पर 1 है तो आपको 2 लगाना पड़ेगा, नीचे नहीं लगाना है मैंने कहा था 1। अब आप बोलोगे सर आपने तो 1 लगा दिया, 1 तो यहां पे भी है, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट में पोटेशियम के नीचे 1 लगाया है तो प्रोडक्ट में आप 1 लगा लीजिए, 1 लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी 1 ही माना जाता है, इसलिए 2 आगे लगा हुआ है, 2 पीछे। ठीक है, 2 आगे लगा दिया, इधर भी 2, तो 2 पोटेशियम प्रोडक्ट में, 2 पोटेशियम रिएक्टेंट में, क्लोरीन 1 है, 1, 2 जा 2 क्लोरीन, इधर भी 1, 2 जा 2 क्लोरीन ऑलरेडी हो चुका है, सो दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस। देखिए 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। ठीक है, 3, 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2, 3 जा 6 ऑक्सीजन। अब आ जाइए नेक्स्ट एग्जांपल पे, देखिए पेपर भर चुका है। ठीक है, देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, सपोज कीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पर एग्जांपल लिया मैंने Mg। ठीक है, देखिए Mg एग्जांपल डाल दिया ऊपर Mg। ठीक है, Mg+Cl2, ठीक है, Mg+Cl2, ठीक है, Mg+Cl2 नहीं लीजिए आप, Mg+Cl2 नहीं, Mg+ आप लीजिए HCl, क्या लीजिए HCl, तो ये हो गया Mg+HCl इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं MgCl2, क्या लिख रहा हूं MgCl2+H2। ठीक है, जो भी एग्जांपल बता रहा हूं चाहे वो बुक में हो चाहे नहीं हो, हाँ, that example are having considered in your book or not, so you will also practice and I have already told you practice make a perfect man, चाहे बुक में example हो चाहे नहीं हो, आपको practice and practice करनी है, example मैं खुद अपने से बना के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, so don't worry from my side, so let's you can start your practice day to day and time to time। ठीक है, lockdown का भी पालन करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और practice करते रहिए। ठीक है, मैग्नीशियम देखिए रिएक्टेंट, टोटल कितने रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर 2 है, 1 और मोर रिएक्टेंट में प्लस का साइन लगाते हैं, एरो का साइन रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा है, यहाँ पर भी प्लस का साइन लगा हुआ है, कितना मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, देख लीजिए। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है 1 है, इधर हाइड्रोजन प्रोडक्ट में देख लीजिए कितना है, प्रोडक्ट में दिख रहा होगा आपको कितना है 2 है, देख लीजिए, और यहाँ पर कितना है आपके हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, तो 1 को 2 करने के लिए नीचे नहीं लगाना है, मैंने बताया था लास्ट एग्जांपल में आगे लगाना है, 2 हाइड्रोजन दैट विल बी बैलेंस्ड, एंड क्लोरीन कितना हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, क्या होता है 1, चाहे लिखूं तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी 1 ही माना जाएगा, तो 1, 2 जा 2 क्लोरीन, 1, 2 जा 2 क्लोरीन और इधर 2 क्लोरीन। आप देखिए मैग्नीशियम 1, 2 हाइड्रोजन, 2, 1 जा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन भी 2 है। नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, +Cl2, सोडियम हाइड्रोक्साइड +Cl2, ठीक है, इक्वल्स टू मैं ले रहा हूं NaCl, ठीक है, NaCl प्लस NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, प्लस वाटर, तो मैंने क्या लिया, ध्यान से देखिए NaOH प्लस Cl2 इक्वल्स टू NaCl प्लस NaOCl, ठीक है, प्लस H2O, तो आपको क्या करना है इसमें,
ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत आपको एग्जांपल लेंथी लग रहा है लेकिन सबसे इजी एग्जांपल है आपका, सबसे इजी है। सोडियम कितना है रिएक्टेंट में, 1, इधर नहीं है। प्रोडक्ट में देखिए कितना है, 1, और 1, 2, और इधर कितना है, 1, तो आगे क्या करेंगे, 2 चिपका दीजिए, बिना देखे लगा दीजिए, 2 सोडियम, 1 और 1, 2 सोडियम। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 1, 2 जा 2 ऑक्सीजन, कुछ नहीं होता था। राहुल सर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कितना है, 1, 1, 2 जा 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन और 1 कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 हो गया ऑलरेडी, इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है या नहीं है, इधर देखिए 1, 2 जा 2 हाइड्रोजन, इधर देखिए कितना है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। क्लोरीन कितना है, 2, और इधर 1 और 1, 2। अगेन आई रिपीट, सोडियम 1 था, इधर सोडियम 1 और 1, 2 था, अब 2 है तो इधर 2 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो 2 आगे लगा दिया। मैंने कहा था नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखना है, बीच में नहीं लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, पीछे नहीं लिखना है, ना तो नीचे ना ऊपर ना पीछे ना बीच में, केवल फ्रंट में लिखना है, केवल ओनली ऑन यू विल राइट द एनी नंबर इन फ्रंट ऑफ द इन या स्टार्टिंग अप ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। 2 सोडियम, 1 और 1, 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 1, 2 जा 2 ऑक्सीजन, 1 और 1, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और इधर देखिए 1, 2, 1, 2, 1 जा 1, ठीक है, 1, 2 जा 2 कर लीजिए आप, हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, लेकर आया हूं मैं एग्जांपल, लिखिए CH4, ठीक है। एग्जांपल लिखिए आप CH4, ठीक है, प्लस Cl2, आप खुद भी लिखते रहिए मेरे वीडियोस, आपको ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अच्छी बात है, आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं, कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं, लेकिन लेट्स मेरे वीडियो के साथ, मेरी प्रैक्टिस के साथ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखते जाइए, इससे क्या डबल आपका फायदा होगा, डबल बेनिफिट है आपको। एक तो वीडियो को केयरफुली लिसनिंग कीजिए इसकी, और घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और मेरे साथ साथ भी हैंड रिटन प्रैक्टिस कीजिए। और साइंस के मैक्सिमम टॉपिक्स आपको लॉकडाउन में मैं करवा दूंगा, बाद में भी आपको रिवाइज करवा दूंगा, आपकी डबल प्रैक्टिस होगी, और टेंथ लेवल का आपको लेके चलूंगा कि आगे आने वाले फ्यूचर में, 8th क्लास में थे तो भी मैंने आपको बोला था, 9th और 10th लेवल का ही आपको बताया था, इसलिए डोंट वरी फ्रॉम माई साइड, ठीक है। बट मेरा साथ दीजिए और घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। कितने देखो, CH4Cl + Cl2 = CH3Cl + HCl, ठीक है। कितने कार्बन है, 1, कितने कार्बन, यहाँ क्लोरीन में कार्बन नहीं होता, ध्यान रखना क्लोरीन पूरा एक एलिमेंट है, इसमें कार्बन मत कंसीडर कर लेना, ठीक है, ठीक है। कितने कार्बन है, 1, और इधर भी कार्बन ही है, ये भी पूरा क्लोरीन है, तो कार्बन ऑलरेडी रिएक्टेंट पे कितना हुआ, ओनली 1। प्रोडक्ट में आ जाइए, कार्बन कितना है, 1, ठीक है, ये सीएल वाला सी है, ये कार्बन में नहीं आता, ये क्लोरीन का सिंबल है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1, 4, ठीक है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन कितना है, 1 और 2, 3, इधर कितना है, 1 और 1, 2 ही हुआ, तो आप क्या करोगे, आपको 1, 2 और 3 है, इधर 1 और 1, 2 है, तो आगे 2 लगाओगे, इधर तो 2, 2 जा 4 और 1, 5 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आंख बंद करके 2 नंबर रख दीजिए, तो देखिए 1, 2 जा 2 क्लोरीन, और 2 क्लोरीन कितना हो गया, 4 क्लोरीन हो गया, और इधर 1 और 1, 2 क्लोरीन है, तो आप क्या करोगे, इधर 2 क्लोरीन है तो आप इसके आगे भी 2 लगा दीजिए, तो कितना हो गया, 1, 2 जा 2, और इधर देखिए 1, 2 जा 2 क्लोरीन, और 1, 3 क्लोरीन हुआ अभी भी, तो इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो देखिए 1, 2 जा 2 क्लोरीन, 1, 2 जा 2 क्लोरीन, 2 और 2, 4 क्लोरीन, और इधर 4 क्लोरीन, ठीक है। और कार्बन कितना है, 2, और इधर कार्बन 2 हो गया। हाइड्रोजन 4, 2 जा 8 हाइड्रोजन, 3, 2 जा 6 और 2, 8 हाइड्रोजन, नहीं आया समझ में, दोबारा आगे ना रिपीट। सबसे पहले कुछ नहीं था यहाँ पर, CH4Cl था, इधर भी 2 नहीं था, इधर भी 2 नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली बैलेंस, खाली अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन गिवन थी। कार्बन कितना था, 1, इधर कार्बन कितना था, 1 बैलेंस था, ठीक है। क्लोरीन में कोई भी कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे, क्लोरीन पूरा एक एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन कितना है, 4, इधर भी 3 और 1, 4 था। क्लोरीन वाले केस में गड़बड़ थी, इधर 2 और 1, 3 था, इधर 1 और 1, 2 था, तो अपन ऐसा क्या करेगी, ये बैलेंस हो, तो 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, ठीक है, वही नंबर आता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन 1 का कोई सेंस नहीं है, इसलिए 2 रख दिया। 2 रखने पर 1, क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं है, तो 1, 2 जा 2 और 2 कितना हो गया, 4, और इधर देखिए इधर 2 रह गया, इधर 4 हो गया, तो मैंने इधर भी 2 लगा दिया, तो 2, 1 जा 2 और 1, 3 रह गया था, इधर भी 2 लगाया,
तो कितना हो गया, 2 1 2 और 2 4, और इधर 2 और आगे भी 2 लगा दिया, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो Na प्लस Cl2 इक्वल्स टू, ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक सोडियम है, वन सोडियम है, क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, तो आगे 2 लगा दीजिए, तो हो गया बैलेंस्ड। नहीं हुआ बैलेंस्ड, नहीं हुआ बैलेंस्ड, इधर भी 2 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला दीजिए आप, अगला देखिए, एक एग्जांपल और लेता हूं, बाकी क्या आपको करने, के एन ओ थ्री, क्या लिया, के एन ओ थ्री इक्वल्स टू के एन ओ टू, ये एग्जांपल मैं आपको खुद से ही बना के बता रहा हूं, ठीक है, खुद से ही बनाकर बता रहा हूं, जितने टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूं आप घर पर रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रैंडमली मैं टॉपिक ले रहा हूं, मैं रैंडमली टॉपिक ले रहा हूं, पहले केमिस्ट्री के, ठीक है, फिर बायो के लूंगा, फिर फिजिक्स के लूंगा, तो रैंडमली टॉपिक ले रहा हूं, ठीक है। देखिए आप, टू के एन ओ सॉरी के एन ओ थ्री प्लस इक्वल टू के एन ओ टू प्लस ओ टू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कितना पोटेशियम है रिएक्टेंट में, 1, इधर प्रोडक्ट में 1, बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन में गड़बड़ है, 3 है, और इधर कितना, 2 और 2 4 है, तो आप क्या करोगे, इधर आगे 2 लगा दी, 3 2 6, इधर 2 और 2 4 हो गए, तो आप क्या करोगे, इधर भी 2 लगा दीजिए, 2 2 4 और 2 6, 3 2 6, 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम हो गया, इधर भी 2 हो गए पोटेशियम, नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, तो 2 पोटेशियम पहले 1 था, ठीक है, 3 ऑक्सीजन के केस में प्रॉब्लम थी, तो 2 लगा दी, इधर भी 2 लगा दिए, तो 3 2 6 ऑक्सीजन, 2 2 4, मैंने कहा था नंबर ना बीच में लगेंगे, ना ऊपर लगेंगे, ना पीछे लगेंगे, ना आपके नीचे की तरफ लगेंगे, केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फ्रंट में लगेंगे, चाहे वो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो चाहे इंक्रीज हो जाए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाए, डजंट मैटर, ठीक है। इससे 2 आगे लगाने से 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 6 और 2 2 4 और 2 6, इस वीडियो की बार बार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए इसको, ठीक है ना। आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लिखिएगा, H2SO4 एग्जांपल घर से करने हैं और व्हाट्सएप पे मेरे को व्हाट्सएप करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, H2SO4 प्लस NaOH इक्वल्स टू, जल्दी लिखिएगा, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। फर्स्ट ये आपको होमवर्क है, घर पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगला है आपके BaOH का होल ट्वाइस प्लस HBr इक्वल टू आपके BaBr2, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। आगे लिखिएगा थर्ड एग्जांपल आपके H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू HCl, ठीक है। आगे लिखिएगा आपके KBr, क्या लिखा आपने, KBr प्लस, ठीक है, BaI2 बेरियम आयोडाइड BaI2 इक्वल्स टू आपको लिखना है Ki, ठीक है, प्लस BaBr, अगेन आई रिपीट, KBr प्लस BaI2 इक्वल्स टू Ki प्लस BaBr2। ये 4 एग्जांपल दिए मैंने, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप घर पर रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल आप खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, ठीक है, और लिखना चाहे तो और लिख लीजिए आप। वह एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल्स टू BaSO4 प्लस, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो H2SO4 प्लस NaOH, ये हो गया आपको क्लियर एग्जांपल दिख रहे हैं, ठीक है। BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल्स टू BaSO4 प्लस NaCl, एलिमेंट्स के सिंबल लिखने का तरीका, घर पर रहिए और फायदा उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ द गाइस, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और अपने डाउट्स है वो ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं पर्टिकुलर आप, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ द गाइस।